क्या आपको आलू पराठा, प्याज पराठा, पिज्जा पराठा, चीज पराठा एक साथ खाना है, लेकिन घर में एक टाइम में बनते हैं सिर्फ एक ही तरह के पराठे? तो टेंशन की कोई बात नहीं, आज की रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि आज हम बनाएंगे 4-in-1 पराठा जो आपको इन सभी पराठों का टेस्ट एक साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, सिटी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब मजे में होंगे। तो सुबह के नाश्ते के लिए बनाएंगे आज हम 4-in-1 पराठा जो आपको आलू पराठा, प्याज पराठा, चीज पराठा, पिज्जा पराठा सबका टेस्ट एक साथ देगा। आ गया ना मुँह में पानी? बहुत ध्यान से देखिए, बस वही नॉर्मल आटा जो गूंथता है वही आटे का एक पेड़ा लेना है और उसकी एक रोटी हमें बेल लेनी है। भाई यहाँ तक तो सिंपल सा काम है। और ये देखिए, इस तरह से एक आपने बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है और इसके बाद हम इस पर निशान लगा देते हैं 4। पहले तो एक कट लगा देंगे सेंटर से और इसी को मिलाते हुए हमें इसमें 4 बराबर भागों के निशान लगा देने हैं। ध्यान रहे कट एक ही लगाना है। और देखिए, इसके ऊपर अब हम 4 अलग अलग तरह की फिलिंग एक साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा रही हूँ आलू का भरता, आलू की फिलिंग। अगर इसकी रेसिपी आपको जाननी है तो मेरे चैनल पे मैंने एक ऑल पर्पज़ आलू का भरता की वीडियो डाल रखी है, आप उसे ज़रूर देख लेना। ये भरता आपको समोसे, कचौरी, परौंठे हर जगह काम आएगा। और ये देखिए, एक साइड हमने ये आलू का भरता लगा दिया है और अब इसके दूसरी साइड हम यहाँ थोड़ा पिज्ज़ा के मसाले डाल देते हैं। तो चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिज्ज़ा सीजनिंग यहाँ हम डाल देंगे और इस पर हल्का सा तेल लगा कर इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक भी आप यहाँ चुटकी भर डाल सकते हैं और इसको इस तरह से आपने एक इस कॉर्नर पर ही लगाना है। ये देखिए, जैसे कि हमने ये पोटैटो फिलिंग लगाई है आलू का भरता, उसी तरह से हमने यहाँ इस साइड लगा दिए पिज्ज़ा के मसाले। तो आपको पिज्ज़ा का फ्लेवर मिलेगा इससे, पिज्ज़ा पराठा का। और अब इसके अगली साइड हम यहाँ बारीक कटी हुई प्याज लगा देंगे। तो एक छोटी प्याज को बारीक काट लिया है, वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो जो प्याज पराठा, ऑनियन पराठा के शौकीन हैं उनको ऑनियन पराठा का भी फ्लेवर इसमें मिलेगा। और देखिए, इस तरह से बारीक कटी हुई प्याज जब आप यहाँ लगा दें तो जो अगला कॉर्नर खाली बचा है उस पर आप एक चीज़ स्लाइस रख दीजिए इस तरीके से। तो आपको चीज़ पराठा का भी फ्लेवर मिलेगा। हो गया ना भाई 4-in-1, आलू का भरता भी हो गया और चीज़ और पिज़्ज़ा सीजनिंग से आपको पिज़्ज़ा पराठा, चीज़ पराठा भी मिल गया और ऑनियन का भी फ्लेवर। अब बस इस तरह से आपने बहुत ही ध्यान से, सावधानी से इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से इसकी आपकी 4 लेयर बनके तैयार हो जाती हैं इस तिकोने पराठे के अंदर। और इसको आपने हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए, चाहे तो हाथ से बढ़ा लें, चाहे तो थोड़ा सूखा आटा लगाकर आप इसको हल्के हाथ से बेल लीजिए, जिससे कि आपकी फिलिंग भी बाहर ना निकले। और ये देखिए, इस तरह से आपने बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बेलेंगे तो पराठा फट जाएगा और फिर सेंकने में आपको मुश्किल आएगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने इस पराठे को बेल के तैयार कर लिया। आप तवा गर्म करें और बस गरम तवे पर डालकर इसे सेक लें। एक साइड से हल्का सा सिकने के बाद आप इसे पलट दें और पलट कर फिर दूसरी साइड से भी सेक लें, जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल पराठे सेकते हैं। ये देखिए, और इसको हमने दोनों साइड से पलट कर घी या तेल लगाकर हमें सेकना है। और फ्रेंड्स, याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ रोज़ाना देखने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के सामने ऑल लिखा होता है, घंटी बनी होती है, उस पर ज़रूर क्लिक करें घंटी के सामने ऑल पर, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी। और देखिए, बातों ही बातों में हमारा 4-in-1 पराठा हो गया है तैयार। अब आप इसको घी और मक्खन लगाकर खाएं, यकीन जानिए चटनी रायते की भी ज़रूरत नहीं है, इतना फ्लेवरफुल पराठा है। ये देखिए, इसकी लेयर्स मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, एक लेयर पूरी आलू के भरते की है और आप देख सकते हैं ऊपर एक लेयर इसकी चीज़ की जा रही है, इसके नीचे प्याज की एक लेयर है। ये देखिए, लेयर बाय लेयर, परत बाय परत आपका ये परतदार 4-in-1 पराठा है, मज़ेदार। तो खा के ज़रूर बताएं मुझे कैसा लगा आपको। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ।